हाई, एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। बात करें ऋतिक रोशन से लेकर प्रभास तक की, तो आपको बता दें कि यहां पर पांच ऐसे इंडियन एक्टर हैं जो कि जेम्स बॉन्ड को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहां पर हाल ही में जेम्स बॉन्ड की फिल्म नो टाइम टू डाई रिलीज हुई थी। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे इंडियन एक्टर की जो कि जेम्स बॉन्ड की इस फिल्म को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। पहला नाम आता है ऋतिक रोशन का। जी हाँ, आपको बता दें कि बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह ही ऋतिक रोशन भी एक सीक्रेट एजेंट के किरदार में नजर आए थे वॉर फिल्म में, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और इस फिल्म ने कई तरह की कमाई की थी। आपको बता दें कि यहाँ पर ऋतिक रोशन ना सिर्फ वॉर में नजर आए बल्कि बैंग बैंग और धूम टू में भी उन्होंने जेम्स बॉन्ड जैसा किरदार निभाया था। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें तो आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया है। जी हाँ, फिल्म शेरशाह से उन्होंने सभी का दिल जीता है, जो कि कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा पे बेस्ड थी। और हो सकता है कि जेम्स बॉन्ड को सिद्धार्थ मल्होत्रा भी कड़ी टक्कर दे सके। बात करें फहाद फासिल की, आपको बता दें कि फाफा द स्टार OTT ब्लॉकबस्टर सी यू सून में नजर आ चुके हैं फहाद फासिल और वो भी जेम्स बॉन्ड को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बात करें जॉन अब्राहम की, तो आपको बता दें कि जॉन अब्राहम भी एक्शन और स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा सभी को इम्प्रेस करते नजर आते हैं और अपने फिटनेस से सभी को दीवाना बनाते नजर आते हैं। वहीं हम बात करें प्रभास की, तो आपको बता दें कि प्रभास भी एक्शन थ्रिलर बेस्ड फिल्में करना पसंद करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि बाहुबली फिल्म के सक्सेस के बाद तो प्रभास मानो छा गए थे, वहीं वो साहू फिल्म से एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आए थे। वैसे आपको इन पांचों एक्टर्स में से कौन से एक्टर ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड